हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। तो आज 11th अक्टूबर है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ डेली डिस्कस किया जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो जो भी लोग न्यू कमर्स हैं और उसमें ऐड हुए हैं, फ्रेशर्स हो सकते हैं, वो इस न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर आप 2020 में अपियर होना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो आप एटलीस्ट इस ईयर से जून से करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी में सिर्फ 1 ईयर का ही करंट नहीं पूछा जाता, बल्कि कई बार 1 से 2 साल के बीच में जो भी करंट मुद्दे होते हैं उनको पूछा जाता है। तो आप कोशिश करें कि 2 ईयर तक का आपके पास कंपाइलेशन हो, तो आप इन वीडियोस को जून से फॉलो कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, वो एक फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड देती है। उसके लिए सिक्किम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको बता दें कि सिक्किम को ऑलरेडी फुल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट होने का दर्जा मिल चुका है, और सिक्किम वर्ल्ड में ऐसा पहला स्टेट है जिसको जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट माना गया है, और ये खिताब जीत चुका है पहले, और अब इसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है FAO के द्वारा, जो उनको फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड देगी। थ्रू एक कोशिश की जाती है कि कैसे हम एनवायरमेंट को पूरी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर बेस्ड बना सकें, या जो भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो सस्टेनेबल हो पाए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड किसका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ से संबंधित है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संबंधित है, एनवायरमेंट से संबंधित है, और दूसरा सिक्किम को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये भी याद रखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट कि सिक्किम ऑलरेडी वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट माना गया है, उसको इस चीज़ का खिताब मिल चुका है। अगला न्यूज़ है साइक्लोन तितली, रखना है। साइक्लोन तितली क्वेश्चन में आ सकता है कि किस रीजन में आया था, तो ये बे ऑफ बंगाल में भी ओरिजिनेट हुआ है, और इसकी वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसे जैसे ये साइक्लोन लैंड एरिया की तरफ मूव करती है तो इसका इम्पैक्ट कम होता चला जाता है। ठीक है, तो साइक्लोन तितली के बारे में याद रखेंगे कि ये इसी रीजन में अभी अफेक्ट किया कर रहा है, एंड और भी ये काफ़ी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह क्रिएट हो गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे साइक्लोन तितली क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है मेड वॉच, इट इज़ एन इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन। पहली बात याद रखें कि ये मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन है और लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से, IAF ने इसको लॉन्च किया है, बिकॉज टू प्रोवाइड हेल्थ इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट एड एंड अदर हेल्थ न्यूट्रिशनल टॉपिक्स। तो जितने भी हेल्थ से जुड़े इश्यूज होते हैं न्यूट्रिशनल टॉपिक के बेसिस पर, या फिर फर्स्ट एड होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी इन्फॉर्मेशन इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी। तो ये क्या है, मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च किया है, एंड इज द फर्स्ट मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन इन द 3 आर्म सर्विसेज। ऐसा कोई पहला मोबाइल एप्लीकेशन निकाला गया है आर्म सर्विसेज में या की तरफ से। एंड मेड वॉच विल प्रोवाइड करेक्ट साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन टू एयर वॉरियर्स एंड ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ हमारे आर्म फोर्स के लिए है, बल्कि ये ऑल ओवर द इंडिया है, हर सिटीजन के लिए है, ये इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उनको हेल्थ से जुड़ी जो भी जानकारी है वो इस पर मिल जाएगी। ठीक है, अगला न्यूज़ है सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO मिल करके इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही है न्यू दिल्ली में, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स या ये जो कॉन्फ्रेंस है वो किसके द्वारा और कहाँ पर हुआ, तो जो हमारी प्रेजेंट मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और WHO, उन दोनों ने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो हेल्थ इश्यूज से जुड़े जो भी हमारे गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक अचीव करने का, वो हम अचीव कर सकें। एंड द मेन जो सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है अभी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हो चुका 2017 में, उसमें जो डिसाइडेड रिकमेंडेशंस थे उस पर काम किया जाए आगे, और दूसरी चीज़ जो इसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह को भी शामिल किया गया है। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर टू प्रमोट इनेबलिंग इकोसिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO's 13 ग्लोबल प्रोग्राम। ये भी याद रखें कि WHO का एक 13 ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ वर्क फॉर एक्सेस टू मेडिकल प्रोडक्ट्स आया हुआ है, और इसमें
ये कोशिश की जा रही है कि जो भी WHO के रिकमेंडेशंस हैं उसका एक प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार किया जा सके और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, सो दैट हम 2030 तक जो अपना गोल है हेल्थ में खास करके उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट न्यूज है CERN, इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क, ठीक है। तो अभी एक इन्फॉर्मेशन गेटवे तैयार किया गया है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं इस CERN के लिए, फाइन, सो दैट जितने भी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को मिल सके, एंड साथ ही साथ हेल्थ कोलैबोरेशन और अदर चीज़ों में कोलैबोरेशन करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं जो शामिल हैं CERN में, इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में उनको हेल्प मिल सके। सो इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन WHO इंडिया इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द CERN टू गारंटीड एक्सेस टू हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान वगैरह में या फिर अफ्रीका में, और आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में भी इंडिया की पकड़ है, और खास करके जो हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट्स देने का है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो CERN कंट्रीज़ हैं, जो भी CERN में मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अब देखिए CERN के बारे में बात कर लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया रिसर्च नेटवर्क बेस्ड एट द लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड द ट्रॉपिकल मेडिसिन इज अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट रिसर्च कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि लोग रिसर्च भी कर सकें और साथ ही साथ कोलैबोरेशन भी कर सकें, एंड इट प्रोवाइड अ फोरम टू सपोर्ट द कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, हाईलाइट रिसर्च। तो जितने भी चीज़ें होती हैं रिसर्च से जुड़ी हुई हेल्थ के सेक्टर में, उन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंट्री CERN में और कोई नहीं बल्कि ऑल एशियन कंट्रीज शामिल हैं, थाईलैंड से लेकर के फिलीपींस तक। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था ये CERN के बारे में, ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 9th October। तो देखिए पहला फैक्ट तो यहाँ पर ये है, कोई भी और एग्जाम देते हैं, हालांकि UPSC तो नहीं पूछती है बट अदर एग्जाम में पूछा सकता है कि वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये है 9th October को, ताकि जो पोस्टल सर्विसेज हैं उसको लेकर के लोगों में या बिजनेसेस में जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाया जा सके कि क्या रोल है पोस्टल सर्विसेज का, ठीक है। एंड द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो UPO जो है इसको 1874 में बनाया गया था, ठीक है। एंड द स्विस कैपिटल बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, वहीं पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को, और उसी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 9th October को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है। ये है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जब आप लिस्ट याद करते हैं यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की, तो आप इसका भी नाम याद रखें कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1874, इसको 1874 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड ये सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस लिस्ट में, यानी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसके लिस्ट में सेकेंड ओल्डेस्ट है ये, इसके पहले ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ITU है इसको कि 1865 में बनाया गया था, और उसके बाद 1874 में UPU को बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। 192 मेंबर कंट्रीज है इसमें टोटल, एंड द फोरम फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन द पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो पोस्टल सर्विसेज को लेकर के, इसका पूरा उद्देश्य है। तो UPU क्या है, ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है एक रिपोर्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रही है, और हमारी जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने मिलकर के इसको रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया था, तो आपको वर्ल्ड बैंक का नाम गेस करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आप याद रखें कि इसमें वर्ल्ड बैंक है। एंड फॉरेस्ट फायर अकर्स इन अराउंड हाफ ऑफ द कंट्रीज 647 डिस्ट्रिक्ट्स एवरी ईयर। जो सिचुएशन बताई गई है फॉरेस्ट फायर की इंडिया में, वो एक्चुअली में बहुत डरावनी है, बिकॉज इसमें सेंट्रल इंडिया में बताया गया कि यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया है जो अफेक्टेड है फॉरेस्ट फायर से। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 56% जो फॉरेस्ट फायर के केसेस है वो देखने को मिलते हैं 2003 से 2016 तक का ये डाटा बताया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा केसेस पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं, डिटेक्ट हो पाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही हो पाता है।
तो ये कुछ फैक्ट्स है, बट हाँ इस रिपोर्ट के बारे में याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी बनते रहते हैं, फॉरेस्ट फायर या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन चीज़ों को लेकर के। तो इस फॉरेस्ट फायर की रिपोर्ट हमारे लिए एक दूसरे एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारा पूरा प्लान है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का, उसमें इंडिया ने फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का एम रखा गया है 5 मिलियन हेक्टेयर तक का, इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आपने पढ़ा होगा NAPCC, तो इसमें 9 मिलियन हेक्टेयर को बढ़ाना है कवरेज को। लेकिन अगर फॉरेस्ट फायर होता रहा तो ये अचीव करना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आप उस रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। एंड एज पर द 5th असेसमेंट रिपोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो IPCC है वो आपको मालूम होना चाहिए, असेसमेंट रिपोर्ट पेश करती है हर कंट्रीज का इस ऑफ CO2 टू कार्बन एमिशन एवरी ईयर। यानी कि इससे ना ही सिर्फ हम फॉरेस्ट कवर को कम करते हैं, बल्कि CO2 का जो एमिशंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है फॉरेस्ट फायर की वजह से। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे भी आ रहा है, और जो इंडिया के कमिटमेंट्स हैं उसको भी ना पूरा करने में काफ़ी रोल प्ले कर रहा है। तो इस वजह से ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को लेकर के क्वेश्चन है, डिस्कस किया था हम लोगों ने। आपको बताना है, दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको चूज करना है सही स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन से हैं। एंड कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया यूरेशियन ऑटर के बारे में, इसका सही आंसर है नियर थ्रेटेंड। अभी ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं और इसको ज़रूर याद रखें। इसके और भी जो पोजिशंस हैं वो भी याद रखें कि साइट्स में ये क्या चीज़ है, किस में आता है, या फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कहाँ पर आता है। और नाउ वी हैव सम इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन, जो भी लोग पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो हमें नंबर्स पर कॉल करें। अगर आप 2019 में अपीयर हो रहे हैं तो अभी टाइम है जब आप हमसे हेल्प ले सकते हो, और एक एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर और कोच के अंडर में आप गाइडेंस ले सकते हैं, आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं बता दूं कि प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है? तो अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द इस प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैव वॉचिंग डिस्कशन। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, जो भी लोग फ्रेशर हैं लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।